हाई एवरी वन दिस इज़ डाइटिशियन प्रीति गुप्ता टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट विंटर्स एज आप सबको पता है कि विंटर्स अप्रोच कर रही हैं जिसकी वजह से हम सबको ये प्रॉब्लम आती है कि अब तो हमारा वेट नहीं लूज होगा क्यों नहीं होगा इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया बस हम विंटर्स को ब्लेम कर देते हैं तो आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या रीजनस हैं जिसकी वजह से आपका वेट विंटर्स में गेन हो जाता है या लूज नहीं होता तो फर्स्ट रीज़न है कि आप वाटर इनटेक को कम कर देते हो जैसे विंटर्स आती हैं आपको प्यास कम लगती है आपको लगता है कि चलो कम में ही काम चल रहा है तो हम ज़्यादा पानी क्यों पिए पूरे दिन में दो से तीन ग्लास ही पानी आप पीते हो सेकेंड रीज़न होता है कि आपका मीठे का खाने का इनटेक बढ़ जाता है क्योंकि विंटर्स हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा मीठा तो अच्छा लगता है अपनी बॉडी को हमें स्मूथ करना है तो आप मीठा खाना स्टार्ट कर देते हो थर्ड रीज़न होता है कि आप अनहेल्दी ईटिंग भी स्टार्ट करते हो विंटर्स में क्योंकि हमें लगता है कि एक यही सीजन होता है जिसकी वजह से हम आराम से इन्जॉय कर सकते हैं फूड और खा सकते हैं तो वो भी हमें बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है फिर हमारा एक रीज़न आता है जिसे बोलते हैं इनएक्टिविटी इनएक्टिविटी मतलब हमें लेजीपन बहुत जल्दी आता है विंटर्स में मन ही नहीं करता कि आप रजाइ से उठो तो आप जब सोते ही रहोगे या फिर रजाई में बैठ के ही सारे काम करोगे तो आपकी एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है जब एक्टिविटी स्लो होगी तो अपने आप ही आपका स्टेप काउंट भी कम हो जाएंगे कैलरी जो आप वेस्ट करते हो जो आप खर्च करते हो वो भी आप कम कर पा रहे हो तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप विंटर में भी गेन कर रहे हो वेट तो विंटर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए बल्कि हमें अपने टारगेट के हिसाब से चलना चाहिए अब हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि हम क्या प्रॉब्लम्स हम इसे कैसे कर्व कर सकते हैं अच्छा एक और रीजन मुझे याद आया जिसकी वजह से हम विंटर में गेन करते हैं वो है चाय और कॉफ़ी तो क्योंकि चाय और कॉफ़ी हमें बहुत ज्यादा सूद करती है इस वजह से हम चाय और कॉफी का इंटेक बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा होती है और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो ये सारे रीजंस के अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारा विंटर्स में वेट लूज जल्दी हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए स्टे यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड थैंक यू